बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुरुवार के दिन की। जी हाँ, गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव को मांगलिक कार्यों का देवता माना जाता है। शादीशुदा जीवन में खुशियों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए बृहस्पति की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं रहने पर वैवाहिक जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति ठीक ना हो तो लड़कियों की शादी बहुत देर से होती है, और अगर होती भी है तो उनका जीवन सुखमय नहीं गुजरता। बृहस्पति खराब होने पर वैवाहिक जीवन में कष्ट सहना पड़ता है। बृहस्पति के खराब होने पर औरतों का चरित्र खराब हो जाता है। बृहस्पति जब थोड़ा भी ठीक होता है तो वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति का कमजोर होना सीधा वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। बात करेंगे अब कि कैसे ज्योतिष के अनुसार आप बृहस्पति को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित जल में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 11 बार पाठ करें। ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होता है। गुरुवार के दिन तामसी भोजन करने से भी बचना चाहिए। सप्ताह में एक बार किसी भी धार्मिक स्थल पर जरूर जाना चाहिए। तो ये थे वो उपाय जो कि आपके बृहस्पति को आपकी कुंडली में मजबूत कर सकते हैं और आपके विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर कर सकते हैं। इसी खास उपाय के साथ बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।